वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग एक बहुत नया टाइप का चैलेंज करने वाले हैं। बेसिकली तुम देख सकते हो यहाँ पे दो टीम्स हैं, एक हमारी टीम और एक नीचे वाली टीम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है ना, जैसे मेरे सामने अब जिसका कार्ड है, जैसे मेरे सामने ज़ोरुआक का कार्ड, तो मेरे को ना पूरे गेम में बस ज़ोरुआक से बैटल करनी है और ज़ोरुआक भी मेरे से बैटल करेगा बस। और हम में से एक दूसरे को पहले जो भी 5 बार मार देगा वो यहाँ पे विनर होगा, उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और ऐसे ही बाकी पोकेमॉन्स के भी जो कार्ड जिनके सामने है ना, उन्हीं को बेसिकली आपस में लड़ना है। तुम देख सकते हो जिसके भी कार्ड जिसके सामने है बेसिकली वो उन्हीं से लड़ेगा। तो ऐसे कर करके जिसने भी यार पहले 5 बार मार दिया एक दूसरे को, जिसने पहले 5 पॉइंट निकाल लिए मार के मतलब, तो यार वो वाली टीम यहाँ पे जीत जाएगी। देखेंगे मतलब एंड में हम लोग किल्स वगैरह देखेंगे कि किस टीम के किल्स ज़्यादा हुए हैं ओवरऑल, और वो वाली टीम जीत जाएगी। यहाँ पे यार ना तुम मेरा देखना भाई सीन, मेरा बहुत गलती हो गया था क्योंकि ये गेम में तो मतलब मुझे ना गिनो ही मत, क्योंकि यार यहाँ पे भाई मेरा नेट इतना गंदा चल रहा था ना, तो मैं पूरा रेड पिंग पे था। तो ये वाला मैच तो मेरा गिनो ही मत, मैं देखो कुछ भी करूँगा यहाँ पे पता नहीं मेरा भाई। मैं बीच में ही जाके कहीं पे खड़ा हो जा रहा था, बाकी फिर चल भी नहीं रहा था, मेरा कैरेक्टर रिकनेक्ट होने लग रहा था। तो तुम मेरे को काउंट ही मत करो, पूरे गेम के अंदर मैं था ही नहीं भाई। तो अब फिर भी तुम्हें देखने मिलेगा कि क्या होता है, कौन सी टीम जीतती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को गोल करना था, लेकिन देखो मैं कर ही नहीं पा रहा था गोल, पता नहीं क्योंकि अजीब ही चल रहा था भाई मेरा गेम। इसी वजह से यहाँ पे ये मैं तुम्हें एडमिन के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे में फिर तो मैं बहुत गंदा देखने मिलता भाई, मैं पूरा रिकनेक्ट और निकट चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे अज्यूमरल आ रहा है इसके पास, लेकिन हाँ अज्यूमरल उसको मार नहीं सकता। ठीक है, अपने से जो भी अपोनेंट है ना, जो भी हमारे सामने कार्ड में था, सिर्फ उसी को यहाँ पे मारना है, बाकी कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। जिसने भी दूसरे किसी बंदे को मारा ना, तो उसके पॉइंट्स माइनस होंगे, बता दूँ मैं पहले ही। तो यहाँ पे जो ज़ोरुआक है वो मेरा अपोनेंट है, वो मेरे को मारने वाला है। मैं साइथर बना हुआ हूँ बाय द वे, पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे। ओके, गेंगार को आई गेस लीफियन को मारना है, हाँ गेंगार का अपोनेंट लीफियन है, इसीलिए वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, गेंगार लीफियन को मार रहा है, और यहाँ पे यार मार भी दिया रौनक जो कि है ट्रेवेनेंट, ट्रेवेनेंट ने एक बार मार दिया है साइथर को, रौनक का अपोनेंट साइथर था, तो पहले एक बार रौनक ने मारा है। और यहाँ पे गेंगार वर्सेस ईवी में भाई पहले ईवी ने गेंगार को 1 पॉइंट से मार दिया, और ये क्या सीन हुआ भाई, मेरे को भी मार दिया गया है। ठीक है, ज़ोरुआक ने मेरे को भी एक बार मार दिया है। मैं बता रहा हूँ यार, मैं देखो खेल ही नहीं पाया था पूरे गेम में अपने नेट की वजह से, मैं कुछ कर ही नहीं पाया था पूरे गेम में, बस एक जगह पे खड़ा था। तो ज़ोरुआक को तो फ्री किल्स मिल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं गेम का हिस्सा यार, मेरा तो कुछ भी चल रहा है सीरियसली। तो देखते हैं भाई, फिर भी मेरी टीम वाले अगर 3 पॉइंट ला के जिता दें, एक्स्ट्रा किल्स ला दें हमारी टीम में, ठीक है। और मेन हर किसी के 5 ही किल्स गिने जाएंगे, पहले ही बता दूँ, उससे ज़्यादा किसी के भी किल नहीं हो सकते। गार्चोम वर्सेज अज्यूमर है, ठीक है, खतरनाक चल रहा है इनका भी। और गेंगार लगता है लीफियन को ढूंढते हुए जा रहा है, और ये देखो ड्रैगनाइट वर्सेस गार्चोम पे, यहाँ पे सब अपने अपने अपोनेंट्स के पीछे लगे हुए हैं, और यहाँ पे गार्चोम ने ड्रैगनाइट को मार दिया जो उसका अपोनेंट था, यानी कि हमारा टीम वाला मरा है भाई अभी अभी। और लीफियन वर्सेस गेंगार में लीफियन ने 2 पॉइंट निकाल लिया है भाई, खतरनाक चल रहा है फिलहाल। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि उनकी टीम से ज़्यादा डोमिनेशन हो रहा है, हमारी टीम अभी ज़्यादा पिटती हुई दिख रही है। और मैं तो यार क्या ही बोलूँ, देखो मेरा सिजोर तो चल ही नहीं रहा था भाई, भाई मतलब टक्कर की मैच तो वैसे अभी चल रही है, हमारी टीम से भी थोड़ा बहुत तो मार रहे हैं। हमारा ट्रेवेनेंट काफ़ी सही मार रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई, रौनक सही खेल रहा है यहाँ पे काफ़ी। और फिलहाल यार देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट लेवल ज़ोरुआक का है। ओके, यहाँ पे यार इसने भाई लीफियन ने आई गेस हमला किया है उस पर, गार्चोम पे, उसकी HP भी कम हुई है, पता नहीं लीफियन क्या कर रहा था, फार्म ले रहा था या फिर क्या, बट यार यहाँ पे साफ साफ डैमेज हुआ है गार्चोम को, तो इसीलिए लीफियन का जो भी फाइनल पॉइंट होगा उसमें से 1 पॉइंट माइनस होगा, मतलब एक उसका जो किल है वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि उसने गार्चोम पे हमला कर दिया है। इसमें मतलब कोई भी अपने अपोनेंट के अलावा दूसरे किसी पर हमला नहीं कर सकता, वरना उसके किल्स माइनस करे जाएंगे बाद में लास्ट में जब हमारी गिनती होगी सबकी। तो इसीलिए यार खतरनाक रूल्स हैं, देखेंगे इस सबके बाद जीतता कौन है फिर एंड में। ज़ोरुआक आ गया भाई, मैं हूँ क्या वहाँ पर जो ज़ोरुआक आ रहा है? अच्छा ठीक है, ज़ोरुआक को शायद से ये लेना है भाई। ज़ोरुआक ने सीधा सीधा गेंगार पे हमला कर दिया भाई, इतना तगड़ा डैमेज दे दिया गेंगार को, अरे भाई साहब, अरे और इससे ये मर भी गया भाई, खतरनाक ही सीन है। नहीं नहीं नहीं, ज़ोरुआक का भी 1 किल यहाँ पे माइनस होने वाला है, ज़ोरुआक ने भी गड़बड़ करी है। गार्चोम ने अभी अभी अज्यूमरल को मारा है उनकी टीम के। ठीक है, अब तो हमारी टीम काफ़ी तगड़ी लग रही है, क्योंकि हमारी टीम में सब खेल भी अच्छे से रहे हैं, उनकी टीम वाले तो एक तो रूल भी तोड़ रहे हैं भाई, ऊपर से यहाँ पे अभी फिलहाल गंदा ही चल रहा है। और देखो मैं तो भाई मेरा सिजोर तो बस पिट ही रहा है भाई, कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं तो। और यहाँ .HP भाई, रौनक को एक और किल मिल सकता है, लेकिन क्या ये भाग जाएगा? .HP है भाई, अरे बहुत ही बढ़िया। ट्रेवेनेंट हमारी टीम से भाई सही में तगड़ा खेल रहा है, ट्रेवेनेंट बहुत किल्स निकाले जा रहा है, काफ़ी बार मार दिया ट्रेवेनेंट ने। तो अब देखते हैं भाई अभी क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, लीफियन वर्सेस गेंगार भाई, इनका खतरनाक ही चल रहा है। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई नहीं, ये बहुत इंटेंस बैटल था यहाँ पे यार, गार्चोम वर्सेस अज्यूमरल चल रहा है, और क्या कौन किसको मारेगा भाई, गार्चोम ने अज्यूमरल को मार दिया बहुत ही खतरनाक तरीके से।
ठीक है, अभी तो दोनों टीम काफ़ी टक्कर में चल रही है भाई, उनकी टीम से भी कोई किल निकाल रहा है। और यहाँ पे यार मेरा तो भाई देखो यार क्या ही बोलूँ, इतना गंदा चल रहा था ये, देखो मैं कैसे खड़ा हो जा रहा हूँ, बस कुछ फाइट भी नहीं कर पा रहा भाई, इतना गंदा मेरा बस रीकनेक्ट चल रहा था। तो बेसिकली इनको यार इनके एक बंदे को तो भाई फ्री किल्स मिले जा रहे हैं, बाकी वरना मेरे को नहीं लगता मैं इसको इतने किल देता अगर मैं खेल रहा होता एक्चुअली में, तो क्योंकि इसमें तो मैं खेल ही नहीं रहा था एक टाइप से भाई, इसको आराम से भाई मैं 3-4 किल तो मैं भी निकालता, लेकिन कोई नहीं। इसीलिए यार ये फर्स्ट टाइम हमारा बहुत सही से नहीं हुआ, तो हम इसको सेकेंड टाइम एक बार ज़रूर करेंगे। बट हाँ ये भी ऐसा मतलब ठीक ही है, मेरे अलावा तो बाकी सब ने अच्छा खेला ही है। ड्रैगनाइट और गार्चोम भाई, इधर से ड्रैगनाइट ने भी मार दिया था, अज्यूमरल को देखते ही यूनाइट चला दिया भाई यहाँ गार्चोम ने। ओके मरा नहीं लेकिन अज्यूमरल, वो बात अलग है। अरे मार भाई मार, डॉट एच पी है, नहीं क्या सीरियसली बच जाएगा भाई? नहीं भाई नहीं भाई, मेरे को बुरा लग रहा है सीरियसली इसके लिए। अरे भाई साहब यहाँ इनकी भी तगड़ी बैटल चल रही है यार, इन दोनों की बैटल बहुत देर से बड़ी तगड़ी चल रही है, गेंगार वर्सेस लीफियन भाई, बच ही गया सीरियसली गेंगार लीफियन से, वरना एक और बार मारे जाने वाला था। और जोरुआक ने वापस से मेरे को मार दिया भाई, ये तो फ्री किल्स बटोर रहा है, इसकी तो मैं कुछ तारीफ ही नहीं करूँगा भाई, कुछ ही नहीं कर रही है भाई, क्या बॉट ऑफलाइन बंदे को मार के खुश हो रहा है भाई ये। ठीक है और देखते हैं और किसका क्या चल रहा है। गेंगार ने एक भी बार अभी तक ऐसा लग रहा है लीफियन को मारा नहीं है भाई, लीफियन ही गेंगार को मारे जा रहा है, तो हमारी टीम में भाई एक बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा बेसिकली। और यहाँ अरे 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 भाई उसको निकालने के चक्कर में एक दूसरे को मत मारने लग जाना। ठीक है ड्रैगनाइट तुरंत ही आया गार्चोम के पास, और यार गार्चोम को मार दिया है भाई ड्रैगनाइट ने, खतरनाक ही था ये तो। आगे देखते हैं भाई और किसका क्या चालू है। ठीक है यहाँ पे भाई रौनक की फाइट चल रही है लगता है। ठीक है भाई ट्रेवेनेंट वर्सेस ये सिजोर, इस बार कौन किसको मारेगा, काफ़ी देर से ट्रेवेनेंट मार रहा है, शायद इस बार सिजोर बदला लेगा। नहीं 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 भाई क्या होने वाला है, काफ़ी इंटेंस बैटल है, और गेंगार ने पहली बार मार दिया लीफियन को, वाह भाई सही सीन हो गया ये तो। ओके उनके गार्चो हमने हमारे ड्रैगनाइट को मार दिया, और यहाँ पे वापस से मेरी एक फ़ाइट हो रही है जिसमें भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या बोलूँ यार मेरा बहुत ही गंदा चल रहा था, और इसको फिर से एक और फ्री किल मिल गया। ओके इनकी बैटल भी भाई वैसे अभी तक काफ़ी इंटेंस सी चल रही है भाई, सिजोर वर्सेस ये ट्रेवेनेंट, इस बार क्या ट्रेवेनेंट वापस से मार पाएगा सिजोर को? नहीं भाई सिजोर ने आई गेस एक भी बार नहीं मारा यार ट्रेवेनेंट को, हर बार ट्रेवेनेंट या तो बच जाता है या तो फिर खुद ही मारता है। और अब सिर्फ लास्ट के 2 मिनट्स ही बचे हैं, और भाई अब देखा जाएगा लास्ट में कौन किसको मार के ज़्यादा किल्स निकालेगा, किसकी टीम में बेसिकली ज़्यादा किल्स होंगे देखा जाएगा एंड में। और ये यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, जोरुआक ड्रैगनाइट पे क्यों हमला करना चाह रहा है? और ये देखो भाई मैं आया था अल्ट चला के इसको मारने के लिए, बट यार ये देखो भाई मूव ही फिर ढंग से मेरा चल ही नहीं पाया, वरना ये यहाँ पे पक्का मर जाता, एक किल तो आराम से निकालता मैं। यहाँ पे गेंगार को आएगा से एक किल मिलने वाला है भाई, अब जाके गेंगार भी काफ़ी मारने लग रहा है, वरना शुरू से लीफियन ही इसको काफ़ी मार रहा था। और गोल्स वाइज भी हम लोग आगे चल रहे हैं, वैसे गोल का गेम है नहीं, मेन तो किल ही है भाई। और गार्चोम ने एक और बार मार दिया अज्यूमरल को भाई, यहाँ पे सब अपने अपने अपोनेंट्स को मारने के चक्कर में एक दूसरे को ना मार दे कहीं। अरे 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 तगड़ी फाइट चल रही है भाई यहाँ तो, क्या चालू हो गया। और ट्रेवेनेंट ने गलती से भाई मूव यूज़ करते करते उसको भी खींच दिया है, ठीक है हम लोग इतने इतने चीज़ों में तो माफ़ कर सकते हैं, उनकी टीम को भी करेंगे भाई, मूव यूज़ करते टाइम कभी कभी आ गया तो चल जाएगा। लेकिन हाँ जो भी भाई ऐसे जानबूझ के मारने वाला है वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली पॉइंट काटेंगे। ठीक चल रहा है वैसे अभी तो स्कोर यार, सामने वाली टीम के भी अच्छे खासे किल हो रखे हैं, और जोरुआक अभी 5 पे रुक जाना चाहिए था, बट वो फिर भी भाई मारे ही जा रहा है, आगे भी जा जाके और बंदों को मारे जा रहा है जो कि बहुत ही बेकार है। और यहाँ देखो सेंटर में भी जोरुआक ने एक्चुअली हमारे एक बंदे पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से भाई इसका सेंटर में भी डेफिनेटली एक पॉइंट कटेगा। और भाई जोरुआक अलग ही, 5 के बाद रुक जाना था बट वो उसके बाद भी मारने लग रहा है, तो मतलब जोरुआक तो हद से ज़्यादा चीटर है भाई इस गेम का हम कह सकते हैं। अज्यूमरल वर्सेस ये चलने लग रहा है भाई गार्चोम वापस से, क्या गार्चोम एक और किल लेके आएगा एक्स्ट्रा या अज्यूमरल मार देगा? भाई गार्चोम ने तो तगड़े ही किल ला दिए, गार्चोम पर ट्रेवेनेंट भाई कैरी सा कर रहे हैं भाई इस गेम में हमको, इसमें तो मैं बोल सकता हूँ भाई, मैंने तो कुछ खास किया नहीं है क्योंकि मेरा चल ही नहीं रहा था, बट बाकी लोग अच्छा कैरी कर रहे हैं भाई। और यहाँ पे ये क्या हुआ भाई, ट्रेवेनेंट ने जोरुआक को मार दिया और मैंने लीफियन को मार दिया, भाई ये चल क्या रहा है सीरियसली? ठीक है अब एंड में भाई गेम खराब होने लग रहा है, यहाँ पे क्या ही चल रहा है भाई, क्या ही चल रहा है। और ये क्या, गेंगार ने इसको मार दिया भाई, सीरियसली एंड में आके मतलब रूल्स तोड़ना ज़रूरी है भाई, बहुत पॉइंट्स माइनस होने वाले हैं। फाइनली गेम ख़त्म हुआ और एंड में अब रिजल्ट देखते क्या हुआ है।
अब बारी आती है फाइनल किल्स की। तो यहाँ पे देखो मेरा किल एक काउंट नहीं होगा क्योंकि मैंने लीफियन को मारा था, तो मेरे हो गए जीरो। इसके बाद ड्रैगनाइट के तीनों किल्स काउंट होंगे, उसने कोई चीटिंग नहीं करी थी। इसके बाद वरुण जो है यानी कि गेंगार, इसके तीन ही किल्स काउंट होंगे, इसने एक दूसरे बंदे को मारा था। तो यहाँ पे इसके बाद जो ट्रेवेनेंट है, इसके चार किल में से तीन ही काउंट होंगे, इसने भी एक यार ऐसे किसी और पे भी हमला कर दिया था बीच में, तो वो कटेगा इसका पॉइंट। और बाकी गार्चोम का एक भी नहीं कटेगा, उसने प्रॉपर तरीके से अपने अपोनेंट अज्यूमरल को ही मारा है। तो यहाँ पे हमारी टीम के हो गए 14 पॉइंट टोटल। चलो अब आती है सामने वाली टीम की बारी, जहाँ पे यार जोरुआक के सात किल्स है पहले, जो कि कर भी नहीं सकता था कोई, सिर्फ पांच ही कर सकते थे, तो इसने तो और भी लिमिट पार कर रखी है, तो ये गिने ही नहीं जाएंगे। तो पांच में से भी इसके दो पॉइंट कटेंगे, बहुत ज़्यादा दूसरों पे हमला करने के लिए, तो इसके तीन पॉइंट है। इसके बाद गार्चोम के पूरे पांच ही रहेंगे, यानी कि आठ हो गए इनकी टीम के। इसके बाद लीफियन के यार दो पॉइंट्स ही रहेंगे, उसका एक पॉइंट कटेगा दूसरों पे हमला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद यार जो बचा है इसके चार पॉइंट यानी कि सिजोर के, तो सिजोर के भी चार पॉइंट होते हैं और अज्यूमरल के जीरो हैं, यानी कि भाई दोनों टीम के एक्चुअली 14 पॉइंट ही हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा टाई है यार इस मैच में। मतलब हमारा पहला मैच ही टाई हो गया, और बीच बीच में यार जो गड़बड़ी वगैरह हुई है, हमने सोचा है कि इसको एक बार वापस से करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि मैं तो इस मैच में खेल ही नहीं पाया था, तो यार 4v5 था, फिर भी चलो ठीक है टाई मानते हैं इसको। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।